दोस्तों आज की कहानी है बेटा बहू के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं पर रंग थोड़ा सांवला है। तो चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। राम बेटा कहाँ है तुम्हारी पत्नी? एक महीना हो गया है शक्ल देखने को भी नहीं मिली उसकी। आनंदी ताई जो कि राम के ही घर की थोड़ी दूर पर रहती थी आते ही राम से बोलने लगी, वंदना बहु रसोई छोड़कर इधर चले आओ। आनंदी ताई जी मिलने आई हैं तुमसे। राम के कुछ बोलने से पहले ही राम की माँ ने बहु को आवाज लगाई। क्योंकि वंदना रसोई छोड़कर आने वाली थी इसलिए रसोई में कोई आवश्यक काम अधूरा ना हो या कोई काम इस बीच बिगड़ ना जाए यह सोचकर राम रसोई में गया। तो वंदना ने राम से कहा, मैं सूट दुपट्टा पहन कर जाती हूँ उनसे मिलने, वरना गाउन में नई बहू का बड़े बुजुर्गों से मिलना सही नहीं होता है। राम वंदना ने राम से मन की बात बताई तो राम मुस्कुराया और वंदना से बोला, खुश नसीब पति हूँ मैं कि खुद से भी ज्यादा दिमागदार और संस्कारी पत्नी पाई है मैंने। तुमने सही विचार किया वंदना, अगर हम अपने बड़ों का मान रखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ भी घाटा नहीं है। राम ने वंदना की सराहना की। वंदना सूट पहन दुपट्टा सिर पर रख आनंदी ताई से मिलने ड्राइंग रूम में चली गई। वंदना की सास को याद था कि उनकी ही सलाह पर वंदना ने सुबह नहा धोकर गाउन पहना था, इसी कारण उनको अपनी बहू के संस्कार और बड़ों के सम्मुख अदब से बात करते हुए देख राम की पसंद पर नाज हो रहा था। आनंदी ताई ने वंदना का हाल साल और मायके के संबंध में कुछ पूछ कर कहा, बहू का मायका भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे दिए हैं उन्होंने बेटी, और बाकी तो है ही सौभाग्यशाली राम जैसा पति जो आया है। कुल मिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर वंदना। कभी कुछ दिन से दांत में ठंडा गरम लग रहा है, डॉक्टर के पास भी जाना है थोड़ी देर में। थोड़ी ही देर में वंदना की सास और आनंदी ताई ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और वंदना घर के काम करने लगी। आनंदी ताई को गेट के बाहर छोड़ वंदना की सास जब लौटी तो उदासी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वंदना अपनी सास के चेहरे पर सही उदासी को समझ नहीं पा रही थी, मगर अभी भी दिमाग और दिल पर आनंदी ताई जी का एक टक सिर से पाँव तक टक टकी लगातार देखना अखर रहा था। कुछ पल खामोश रहकर देखा मगर मन बेचैन हुआ तो वंदना राम से बोली, सुनो राम मम्मी जी अचानक ऐसे क्यों उदास ही? आप पूछिए ना प्लीज, राम के पूछने पर माँ ने कहा, काश तूने संस्कार के साथ साथ थोड़ा रंग रूप की भी गुंजाइश समझी होती बहू में, फिर से वही सुनना पड़ा मुझे। वंदना बहू के सांवले रंग के कारण आज आनंदी दीदी ने भी कह दिया कि राम को तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल सकती थी, कमी क्या थी उसमें जो सुंदर लड़की ना मिल पाती? तुमने तो सांवली लड़की से विवाह कर जोड़ी कुछ खास नहीं बनाई, अपने बेटे बहू की माँ गोरा रंग ढल जाता है लेकिन संस्कार और बड़ों के प्रति अदब कभी नहीं ढल सकते। मेरी बीवी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है कि अपनी बीवी पर पब्लिक की राय सुनो और सहमत हो जाऊं। मेरी नजरों और दिल के हिसाब से खरी है मेरी बीवी और आपको भी तो पसंद है ना अपनी बीवी। एक महीने में
करेगा तो ऐसे लोगों का मैं यहाँ आना भी पसंद नहीं कर पाऊंगा माँ। राम ने आनंदी ताई के दुष्ट विचारों को मन पर ना लगाने के खातिर माँ से यह कहा, मम्मी जी रिश्ता सेरे का रंग नहीं दिलों का अटूट बंधन साता है। जो आप राम और मेरे बीच में है दिखावे के लिए, नेसुरल एहसास को फुसलाना सही नहीं है मम्मी जी। आपके बेटा बहू आपके सेरे पर उदासी नहीं देख सकते, इसलिए अपने बहू के रंग रूप के सवाल को दिल पर लेकर अपने सेरे की मुस्कान भरी रंगत गायब मत करिए प्लीज। वंदना अपनी सास के सेरे को किसी बच्चे के सेरे की तरह अपने दोनों से स्पर्श दे रही थी। लोग आते हैं और मन खट्टा कर जाते हैं, और इन्हीं टाइप के लोग ही अच्छे भले घरों के आपसी रिश्तों में फूट डाल जाया करते हैं। राम की माँ ने बोला, तुम दोनों सही हो राम और वंदना, मेरे भटक रहे मन को संभाल लिया बेटे। वंदना की सास के सेहरे से अब वंदना के रंग रूप को सोच कर जो उदासी थी उसका अब कहीं कोई नामो निशानी नहीं था। तो दोस्तों ऐसे हमारे कई घरों में होता है, किसी का रंग गोरा तो किसी का सांवला होता है, और अगर रंग गोरा है उसके अंदर संस्कार एक भी नहीं है तो वो रंग किस काम का है। सांवले बहू इसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार है, बड़ों के लिए प्यार है, आदर और सम्मान है, तो अब उसमें क्या काला क्या गोरा देखना, आखिर तो इंसान अच्छा होना सही है। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें काले गोरे रंग में कोई